Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. हेलो फ्रेंड्स, मैं निहारिका सीजीपीएससी ज्ञान में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या की बात किया जाए तो ठीक है, जनसंख्या में हम लोग सबसे पहले ये मन में बात आती है कि जनसंख्या किन क्षेत्र में ज्यादा ज्यादा निवास करेगी। तो उसके अंतर्गत हमारे भौतिक प्रदेश में आएंगे आपका पर्वत, पठार व मैदान। पर्वत की अपेक्षा पठारों में या पठारों की अपेक्षा सबसे ज्यादा जो सुटेबल या अनुकूल रहेगा जनसंख्या के लिए वो मैदानी एरिया रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं भौतिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक में आपका आएगा तीन चीजें आती है, उच्चावच मतलब रहने की दृष्टि से पर्वत, पठार व मैदान। ठीक है, पर्वत की अपेक्षा पठार अधिक अनुकूल रहता है और पठार से भी ज्यादा अनुकूल रहती है मैदान। ठीक है, तो क्या रहता है मैदानी एरिया में हम लोग सबसे ज्यादा क्या रहती है भारत की जनसंख्या निवास करती है। जैसा कि हम लोग प्राचीन सभ्यता की बात किया जाए, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, वो सारी जो सभ्यता का विकास हुआ कल नदियों के किनारे या तो मैदानी एरिया में ज्यादा हुआ, क्योंकि वहां पे जीवन यापन के अनुकूल हम लोग का साधनों को पूर्ति आसानी से होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैदानी एरिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और मैदान में ही जनसंख्या ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग भारत की जनसंख्या कह सकते हैं उसको प्रभावित करने वाले कारकों में पहला तो आपका भौतिक कारक आएगा। ठीक है, सेकेंड में आपका आएगा सामाजिक कारक। ठीक है, सामाजिक कारक के अंतर्गत क्या होता है कि जनसंख्या आपस में क्या रहता है, समाज में एक दूसरे का समाज का जो ग्रुप रहता है, ठीक है, उसको हम लोग सामाजिक कारक कह सकते हैं। सामाजिक कारक के अंतर्गत आपके ये आता है कि समाज के लोग आपस में, ठीक है, ये समाज के ग्रुप है, आपस में क्या हो, एक दूसरे पर निर्भर हो या एक दूसरे की सहायता करे, ये समाज का जो रूप है वो क्या रहे, उचित रूप से जीवन योग्य रहे। ठीक है, थर्ड में आपका आएगा सामाजिक कारक, थर्ड में आपका रहेगा राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक के अंतर्गत हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश की जो राजनीति रहे वो क्या रहे, शांतिपूर्ण रहे, वहां की जो जनसंख्या मतलब जनसंख्या या जनता रहे वो कैसा रहे, उनको हमेशा क्या रहे, सर्वेसर्वा रहे। ठीक है, उनको अपने अकॉर्डिंग क्या रहते जीवन यापन या अपनी वृद्धि करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाए, तो वहां की राजनीति क्या रहनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ युक्त होने चाहिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं अगर किसी देश की राजनीति अशांत रूप से क्या कहते हैं युद्ध में छिड़ी हुई, तो वहां के जो पॉपुलेशन है वहां पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और वो लोग यहाँ पे रहना मतलब किसी भी क्षेत्र में जहाँ राजनीतिक रूप से अशांति वहां रहना लोग पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद थर्ड आएगा आपका सांस्कृतिक कारक। ठीक है, सांस्कृतिक कारक में आप लोग जैसे देखते हैं कि भारत सांस्कृतिक रूप से विविधता लिए हुए मतलब कि हम लोग अगर नॉर्थ में जाया जाए या फिर मध्य क्षेत्र में जाए या दक्षिण में, सब जगह की संस्कृति क्या है, सब लोगों की संस्कृति अलग है, बोली अलग है, जनजाति अलग है, तो ये क्या है, भारत सांस्कृतिक रूप से क्या है, विविधता लिए हुए। इन विविधताओं को क्या कहते हैं, अब बाकी लोग मतलब हर एक लोग अपनी संस्कृति में रहना लोग पसंद करते हैं, अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो जिस जगह पे लोगों को अपने योग्य संस्कृति मिलती है वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपने के मेन फैक्टर है जो भारत किसी भी जनसंख्या या भारत की जनसंख्या को मेनली प्रभावित करती है। इसके अलावा भारत की अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक धार्मिक कारण भी भारत की जनसंख्या को इंक्रीज करने में या बढ़ाने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अगर हम भारत की बात किया जाए विश्व के रेफरेंस में, ठीक है, तो 17.5% भारत में मतलब विश्व की कुल जनसंख्या यहाँ निवास करती है, तो जिसका मुख्य कारण क्या है, मतलब अगर हम भारत को देखा जाए, ठीक है, तो भारत का जो मैदानी क्षेत्र है ये वाला एरिया बोल दिया जाए ये, ठीक है, तो ये वाला जो मैदानी एरिया इसमें आता है ये क्या करते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों के जलोड़ से निर्मित होती है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं उनको मिट्टी मतलब उत्पादन के योग्य मिलती है, इसके अनुकूल जलवायु मिलती है। दूसरा फैक्टर की बात किया जाए दूसरे क्षेत्र की, तो भारत
भारत के जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है, वहाँ जो कृषि उत्पादन है वो क्या रहती है, हमेशा प्रोडक्शन हाई रहता है। तो ये दो मेनली कारण है, ठीक है। तो यहाँ की 20% जनसंख्या और 20% यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है बाकी अदर एरिया के कंपेरिजन में, ठीक है। उसके बाद है ये वाला पोर्शन आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में, ठीक है, भारत में आजकल अगर वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो आर्थिक कारक जो है भौतिक कारक की अपेक्षा क्या रहते हैं, ज्यादा हावी है, भौतिक कारक की अपेक्षा ज्यादा हावी है, ठीक है। ये वाला क्यों, आजकल आर्थिक कारण में ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इसके कारण हमारे यहाँ नगरीकरण एंड औद्योगिकरण ये दोनों क्या रहता है, इंक्रीज हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, नगरीकरण और औद्योगिकरण, तो लोग आर्थिक कारकों पे ज्यादा डिपेंड है और उसी के कारण क्या कर रहे हैं, उसी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमारी भारत की जनसंख्या कहीं ना कहीं क्या कर रही है, उसका जनसंख्या बढ़ाने में इनका इम्पोर्टेंट रोल हो रहा है, होते जा रहा है। तो देखो औद्योगिकीकरण और औद्योगिकीकरण तो हर एक क्षेत्र में पॉसिबल नहीं हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम आर्थिक कारक पर ध्यान देते हैं तो भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं, उनका जो विकास होना चाहिए उस दृष्टि से वो क्या विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसकी बात किया जाए कि जनसंख्या वृद्धि की, तो भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। उसका मेन रीजन ये है कि जनसंख्या में क्या रहता है, जनसंख्या में गुणात्मक पिछड़ापन, ठीक है, इसका मेन कारण ये है, गुणात्मक पिछड़ापन इसलिए हो रहा है कि वहां के संसाधनों का, ठीक है, संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर भारत में जनसंख्या वृद्धि को या फिर उसके विकास के लिए भारत के हर एक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन और उसका संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत की जनसंख्या में कौन कौन सी अवस्थाएं या फिर कंडीशन हमारे यहाँ आई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनसंख्या की प्रारंभिक अवस्था या प्राथमिक स्थिति, ठीक है, तो इन दोनों अवस्थाओं में देख सकते हैं हम लोग जनसंख्या की प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, इसको हम लोग 1891 से 1921 के बीच में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इस समय क्या था, जो भारत की जनसंख्या थी, ठीक है, भारत की जनसंख्या में मेनली दो रीजन कारण थे कि इस अवस्था में भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर से घटती गई, ठीक है। तो इसके दो मेन रीजन ये थे, दुर्भिक्ष एंड दूसरा रीजन आपका संक्रामक बीमारियों का प्रकोप, संक्रामक बीमारियों का प्रकोप, ये दो मेन रीजन थे जिसके कारण क्या है कि भारत की जनसंख्या धीरे धीरे ऋणात्मक वृद्धि दर पे जाती गई। तो इसीलिए हम लोग 1921 को, ठीक हो, क्योंकि वह समय जनसंख्या क्या रही थी, धीरे धीरे कम होती गई, इसलिए 1921 को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा अगर जनसंख्या से रिलेटेड पूछा गया तो, ठीक है, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। उसके हम लोग जनसंख्या की प्रारंभिक या फिर वृद्धि दर देखे, उसके बाद हम लोग देखते मध्यम वृद्धि दर की स्टेज हुई थी, दूसरा हो गया जनसंख्या की मध्यम वृद्धि दर, मध्यम वृद्धि दर, ठीक है, ये आपका आएगा 1921 से 1951 तक का, ठीक है। 1921 के 51 की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या की धीरे धीरे वृद्धि का दर कहते हैं। इसमें क्या हुआ था आपका,
मेनली वृद्धि क्या रीजन थे? तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई थी, ठीक है। दूसरा आपका यातायात के साधनों का विस्तार होता गया, यातायात के साधनों का विस्तार, ठीक है। थर्ड में आपका आएगा संक्रामक रोगों का रोकथाम, ठीक है। अब अकाल में कमी, अकाल में क्या हुई थी? कमी। ये जो मेन रीजन थे, अब धीरे धीरे क्या हो गया, भारत की जनसंख्या धीरे धीरे इंक्रीज होती गई, ठीक है। इसलिए 1951 को, इसलिए हम लोग 1951 को, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका 1951 को जनसंख्या की वृद्धि का आरंभिक वर्ष कहा जाता है, जनसंख्या की वृद्धि का आरंभिक वर्ष कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आप लोग का कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके मेन रीजन क्या थे, आपका चिकित्सा में सुधार हो गया, ठीक है, यातायात के साधनों का विस्तार हो गया, आपका हो गया संक्रामक बीमारियों का रोकथाम, और अकाल में क्या हो गई, धीरे धीरे कमी हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या के वृद्धि दर, सेकेंड आपका मध्यम वृद्धि दर, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर, तीव्र वृद्धि दर से हम लोग आपको लेते हैं 1951 से 2011 तक के को हम लोग लेते हैं, 1951 से 2011 तक का लेते हैं। इस समय क्या हुआ था, जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती गई, धीरे धीरे वृद्धि होती गई, तो उसके बाद क्या हुआ था, हमारे चिकित्सा में सुधार होते गया, ठीक है। मेन दो कारण थे, चिकित्सा में सुधार, ठीक है। अगर चिकित्सा में सुधार के में क्या हुआ था, जीवन प्रत्याशा की में वृद्धि होती गई, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, ठीक है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई। और उसके बाद क्या हुआ था कि भारत में, जब भारत आजाद हुआ तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, क्या की गई, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, जो 5 वर्ष के में, 5 वर्ष के पूरे भी इकोनॉमिक जो सेक्टर रहते उसके क्या रहते, उसमें प्लानिंग रहता, 5 साल के लिए बनाया जाता पंचवर्षीय योजना, जिसमें क्या किया गया, दो चीजों को मेनली फोकस किया गया, एग्रीकल्चर मतलब की कृषि, और दूसरा होगा आपका, दूसरा कृषि और है आपका औद्योगिकरण, ठीक है। तो ये दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के क्या क्या हुआ, उत्पादन इसमें बढ़ा, ठीक है, उत्पादन बढ़ा। उसके बाद आप लोग का आता है, ठीक है, इन काल में परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन और साक्षरता दर, दोनों को क्या किया गया, दोनों को बढ़ाया गया, जिससे क्या हुआ, दोनों का अगर बढ़ाया गया, इसमें जन्म दर एंड मृत्यु दर, ठीक है, दोनों में क्या हुआ, दोनों में कमी आई। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या धीरे धीरे, पहले ऋणात्मक अवस्था में थी, फिर विस्फोटक अवस्था में है, और अभी क्या रहती है, धीरे धीरे कम होगी। वर्तमान में अगर बात किया जाए, 2011 के सेंसस की बात किया जाए, तो अभी जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है, ठीक है, लेकिन कुछ हिसाब से क्या होता है, उसमें निबल जो जनसंख्या है उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर आया है, उसको हम लोग निम्न रूप से समझ सकते हैं, उसके स्टेजेस को, उसके लिए हम देखते हैं 1961 की, ठीक है। 1961 में हम लोग की पॉपुलेशन थी 20
सॉरी कितना 21.64 थी, फिर 1971 में 24.80 हो गई, ठीक है। 1981 में मतलब बढ़ रही है हमारे यहाँ 24.67 हो गई, ठीक है। फिर 91 में 23.56 हो गया, और 2001 में हमारी जनसंख्या थी 21.54, और 2011 में आप लोग का देख सकते हैं 17.64, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, दोनों पॉपुलेशन में बढ़ी तो जनसंख्या हमारे यहाँ, ठीक है, पॉपुलेशन, लेकिन 3.90 की वजह से क्या हो गई थी, यहाँ पे माइनस हो गई। तो दोनों का अगर हम कंपेरिजन किया जाए तो, और अगर उससे पहले कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे कम होती गई, ठीक है, यहाँ पे कम होती है, यहाँ पे कम होती है, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी आ रही। तो ये जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर की बात किया जाए तो ये सारी कंडीशन हमारे यहाँ आती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की जनसंख्या संक्रमण, ठीक है। ये पूछा जाता है कि जनसंख्या संक्रमण क्या होता है, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं उसको, जनसंख्या संक्रमण। ये क्या है, ये वो चीज होता है, एक जनसंख्या वृद्धि की क्रमिक अवस्था रहती, मतलब हर एक देश को, चाहे कोई भी देश हो, इन जनसंख्या संक्रमण के स्टेजेस बनाए गए हैं, 5 स्टेजेस, उन स्टेजेस से होके क्या करना पड़ता है, उनको गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या रहती है, जनसंख्या वृद्धि की क्रमिक अवस्था, जनसंख्या वृद्धि की क्रमिक अवस्था, ठीक है। तो ये होता है, इसमें हम लोग स्टेजेस डिवाइड किए कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं, और अगर भारत के रेफरेंस से पूछा जाए तो 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को थोड़े बेसिक चीजें बताना है। तो पहले आप गए प्रथम चरण, प्रथम चरण में क्या होता है, जनसंख्या संक्रमण के लोग अशिक्षा के कारण, ठीक है, या रूढ़िवादी के कारण, रूढ़िवादी के कारण क्या होता है, जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही हाई रहता, उच्च अवस्था में रहता है, मतलब जितनी जन्म दर होगी उतनी ही क्या होगी, मृत्यु दर सेम रहेगा, ठीक है, दोनों चीज रहेगी अगर हम लोग इसको अवस्था में बात किया जाए, ठीक है। मान लो कि इसकी जनसंख्या 48 से 49 जन्म दर है, ठीक है, उतनी आपका 42 से 48 पर 1000 पर्सन में, इतने में क्या रहेगी जनसंख्या, मतलब इस कंडीशन में लोग रूढ़िवादी को फॉलो करते हैं, और रूढ़िवादी लोग रहते हैं और अशिक्षा उनमें व्याप्त रहता है, ठीक है। उसके बाद रहते हैं जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था, इसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या की विस्फोटक दर की अवस्था। ये आपके एग्जाम में किसी न किसी में रिपोर्ट होता है, इसमें किसी में रिपीट होता है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, ठीक है। अब इसमें लोग क्या रहते हैं, जन्म दर क्या होती है, चिकित्सा सुधार होने लगता है, जन्म दर बढ़ने लगता है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, मृत्यु दर कम होती है, इसलिए पॉपुलेशन की क्या रहती है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है, ठीक है। इस अवस्था में जैसे कि आपको बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, ये सारी कंडीशन क्या होती है, दूसरी अवस्था में इंक्रीज होती है, ठीक है। थर्ड अवस्था में क्या होता है, तृतीय अवस्था, इस कंडीशन में क्या रहता है, लोग धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगता है, साक्षरता बढ़ने लगती है, और लोग अपने शिक्षा के प्रति जागरूक होने लगते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लोग जन्म दर में कमी आने लगती है और मृत्यु दर भी कम होने लगता है, ठीक है। इसमें आपका विकसित देश इस कंडीशन में आते हैं, सॉरी विकासशील देश,
अब इसमें आपका आएगा भारत। अगर भारत के रेफरेंस बात करें तो भारत 1991 से जनाब्दी संक्रमण के थर्ड अवस्था में पहुंच चुका है। थर्ड अवस्था में कब से? 1991 से, ठीक है। अब उसके बाद चौथा देखते हैं हम लोग, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, जन्म दर क्या होती है, कम हो जाती है, इवन तक की मृत्यु दर भी कम होने जाती होने लगती है, ठीक है। तो जनसंख्या की स्थिर अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या क्या रहता है, बैलेंस रहता है। तो एक भारत 1921 में, मतलब एक प्रेडिक्शन है कि भारत 1921 तक जनाब्दी संक्रमण के चतुर्थ अवस्था तक पहुंच जाएगा, जनाब्दी संक्रमण के चौथे स्टेज में, है ना। भारत 2021 में, ठीक है, 2021 तक भारत क्या होगा, इसमें पहुंच जाएगा ये। और पांचवी अवस्था में क्या होता है, हम लोग ऋणात्मक अवस्था की दर बोलते हैं, विवाह के प्रति क्या होता है, विवाह के प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, तो इस कंडीशन में आएगा लोग आपका, इसको निरात्मक अवस्था की दर कहते हैं। इसमें जो जन्म दर रहेगा मृत्यु दर से कम होगा, फिर लोग विवाह में विश्वास नहीं करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, सामाजिक रूप से वो उसको बहिष्कार कर देंगे, ये सारी चीज की अवस्थाएं होंगी। ये अगर भारत का क्या होगा, जनाब्दी संक्रमण की आपकी अवस्था है। इसमें एक दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत जनगणना, ठीक है। जनगणना 2011 के रेफरेंस में, ठीक है, 2011 के रेफरेंस में सबसे पहले अगर जनगणना की बात किया जाए तो सबसे पहले स्टार्ट जनगणना कब हुआ था, 1872, ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में था, लेकिन इसकी जो जनगणना थी वो नियमित रूप से नहीं हो पाई थी, ठीक है, इसलिए स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था। लेकिन अगर नियमित जनगणना की बात किया जाए तो 1991 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल में वो भी कैसा था, 10 की प्रत्येक 10 साल में क्या किया गया था, इसकी जनगणना हम की जाती थी। तो प्रथम जनगणना आयोग थे, ठीक है, इसका जो जनगणना 2011 की जनगणना का रजिस्टर सिस्टम के माध्यम से होता है। अब हम लोग 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके कुछ डिटेल्स है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर भारत की जनगणना की बात किया जाए तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन, लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी, किसी कारणवश इसको क्या कहते हैं, रोक दिया गया था। तो 1881 में, ठीक है, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या कहते नियमित 10 की वृद्धि दर, नियमित 10 की जनगणना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सबसे पहले हमारे जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेड, ठीक है, पहला जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, भारत में जनगणना महापंचायत के रजिस्ट्रार जो जनसंख्या रजिस्ट्रार है तो उसके माध्यम से जनगणना की जाती है। तो अगर हम 2011 की बात किए जाए, ठीक है, तो 2011 में महापंचायत के जनगणना आयुक्त थे आपका सी चंद्रमौली, ठीक है। इनको 21वीं सदी का दूसरा जनगणना कहा जाता है, जिसका दो चरण में हुआ था, ठीक है। इसकी जो
मास्कोट था, मास्कोट बोले या शुभंकर बोल दे, ठीक है, शुभंकर आपका प्रगणक शिक्षिका थी, शिक्षिका, ठीक है, ये था इसका। और इसका जो स्लोगन था, स्लोगन ठीक था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये आपका क्या था, स्लोगन था, मतलब कि नारा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2001 की जनगणना, ठीक है, सॉरी 2011 की जनगणना, ये हो गया आपका श्री चंद्रमौली थे, ये स्वतंत्र भारत की सातवीं बड़ी जनगणना थी, सातवीं ग्रंथ की स्वतंत्र भारत की कितनी, सातवीं, सातवीं जनगणना थी। 2011 इसकी एक्चुअल जो जनसंख्या थी, ठीक है, जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ 087,970, ठीक है, इतने करोड़ थी भारत की जनसंख्या, ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। उसके बाद जो 2001 के मुकाबले, ठीक है, इसका ग्रोथ रेट तो हुआ, ठीक है, 17.64 था, एक्चुअल में उस जनसंख्या तो बढ़ी है, जनसंख्या 18 करोड़ 2001 के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन उसका ग्रोथ रेट 10 की वृद्धि की बात करो तो -3.9 क्या हुई थी, उसमें कमी आई है, ठीक है। अगर भारत चीन के रेफरेंस में बात करें तो भविष्य में चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या, ठीक है, 2001 में भारत और चीन के बीच में 23.2 करोड़ का फासला था, ठीक है, जो 2011 में, 2011 में मात्र 13 करोड़ हो गए। और इसकी जो जनसंख्या को चाइना की जनसंख्या को भारत 2030 तक क्रॉस करने का प्रेडिक्शन किया गया है, ठीक है, 2030 तक उसको क्या कर सकता है, क्रॉस कर दे, तब भारत की जनसंख्या 1,40,000,000 होगी, 40 करोड़ होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत की साक्षरता दर की, ठीक है, भारत की अगर साक्षरता दर बोला जाए तो भारत की कुल साक्षरता दर, साक्षरता दर 74.04% है, ठीक है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, जिसका, ठीक है, अगर पुरुष साक्षरता बोला जाए तो 82.14% है, और महिला का बोला जाए तो 60.584% है, ठीक है, इतनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अगर टोटल वो भारत की इतना महिला और पुरुषों की, अगर 2001 और 11 के मुकाबले कहा जाए तो 9.2% साक्षरता में वृद्धि हुई है, 9.2% क्या हुई थी, साक्षरता में वृद्धि हुई है। उसके बाद हम लोग ये, इसके बाद पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक्चुअल में साक्षर लोग किसको कहा जाता है, ठीक है, तो साक्षर उसको कहा जाता है जो कम से कम कुछ भी भाषा को बोलने के साथ साथ क्या करना चाहे, लिखना भी जानता हो, क्या कर सकता, बोलने के साथ साथ कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो मदर टंग हो या हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी, बोलने के साथ साथ क्या जानता हो, लिखना भी जानता हो, और जो 60 वर्ष की आयु से अधिक हो, कि आयु से अधिक हो उसका हम लोग साक्षरता, कि आयु से अधिक हो उसको हम लोग साक्षर मानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग साक्षर मानते हैं। अगर हम बात किया जाए लिंगानुपात की, ठीक है, तो लिंगानुपात, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है, कि अच्छी स्थिति है आपका केरल में है, 10:82, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा पुडुचेरी का 10:38, ये क्या चीज है आपका, जनसंख्या वृद्धि है, सभी जगह में जनसंख्या लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, पूरे स्टेट को छोड़कर, लेकिन सॉरी सभी राज्यों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बस कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे बिहार, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर,
उसमें क्या हुआ, लिंगानुपात में कमी हुई है। अगर हम भारत के रेफरेंस में बात करते हैं कि 0 से 6 वर्ष की आयु की बात करते हैं, तो इसका जो लिंगानुपात था 900, इसका जो लिंगानुपात था आपका, अगर हम भारत के लिंगानुपात के बारे में देखें, ठीक है, तो भारत के लिंगानुपात 940 है, ठीक है। लिंगानुपात हम लोग उसके बोलते हैं पर 1000 पुरुष में कितनी भी महिलाओं की संख्या हो, मतलब कि 940 अगर कुछ भी हो सकता है, कितनी महिलाएं हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगा अनुपात, ठीक है। तो हम लोग भारत के अगर लिंगानुपात की बात करें तो 1000 में 940 महिला है उसको बात किया जाता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार 933, ठीक है, 1000 पुरुष में थी, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 7%, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का है। अगर हम 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंगानुपात किया जाए, ठीक है, तो आपका आएगा 947, ठीक है। ये था आपका 2001 में, अभी 2014 में 914 हो गया 2011 में, ठीक है, मतलब कि ग्रोथ रेट कम हुई थी। अगर इन दोनों की लिंगानुपात बोला जाए तो ठीक है, इसमें क्या हुई थी, कमी हुई थी, जो कि क्या करते हैं, मतलब जनसंख्या की उर्वरता हास का प्रतीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुंबई का ठाणे, मुंबई का ठाणे एरिया, ये क्या क्या चीज है, जनसंख्या ग्रोथ, जनसंख्या ग्रोथ में वृद्धि में सर्वाधिक जिला रहा है, सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, ठीक है। हम लोग बात करते हैं जाति आधारित जनगणना की, ठीक है। अगर हम जाति आधारित जनगणना की बात किए तो 1881 में क्या किया था, पहली बार जाति आधारित जनगणना स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जिसे 1931 में क्या किया गया, बंद कर दिया गया। अगर फिर से इसको 2011 में क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, ठीक है, 2011 में इसको क्या स्टार्ट किया गया। इससे पहले क्या करते थे, हमारे यहाँ जो सेक्स वर्कर रहते थे, ठीक है, सेक्स वर्कर को भिखारी में क्या किया जाता था, इसको गिना जाता था, लेकिन अब इसको अलग से क्या किया गया, आपको एक कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आएगा, उसके बाद हम लोग पॉपुलेशन में देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या किस स्टेट में सबसे ज्यादा हुआ, तो आप बोल सकते हैं यूपी, ये यूपी वाला स्टेट है, उसमें विश्व सारे स्टेट से सबसे ज्यादा क्या हुई थी, यूपी में जनसंख्या ग्रोथ रेट हुई थी, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। अगर जनसंख्या वृद्धि की पहला स्टेट बोला जाए तो यूपी, ठीक है, जनसंख्या सर्वाधिक कौन से स्टेट में है, ठीक है, तो आप यूपी, महाराष्ट्र, यूपी, उसके बाद ये आपका आ जाएगा, ये महाराष्ट्र वाला स्टेट, ठीक है, यहाँ पे सेकंड यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आपका बिहार वाला एरिया आ जाएगा, और सॉरी ये बिहार और ये वेस्ट बंगाल, ये वाले एरिया का सर्वाधिक ग्रोथ रेट हुआ है, तो यूपी पहला, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये वाले स्टेट क्या हुए हैं आपके, जनसंख्या वृद्धि में और जनसंख्या मिनिमम, ठीक है, जनसंख्या कम वृद्धि, सबसे ज्यादा कम किस में हुई आपका, मिजोरम में, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूटी, अगर यूटी की बात किए तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक कम जनसंख्या की वृद्धि हुई है, यूटी मतलब की लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में, यूनाइटेड स्टेट, लक्षद्वीप में सबसे कम, ठीक है। अगर हम लोग जन साक्षरता की बात किया जाए तो साक्षरता सबसे ज्यादा किसमें हुई आपका, साक्षरता में ये वाले स्टेट ज्यादा है, केरल, साक्षरता में ये वाले स्टेट, ठीक है, केरल, यहाँ पे केरल है। उसके बाद आपका आएगा मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड गोवा, ठीक है, ये आपका साक्षरता में स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए
जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा आपका आएगा बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, केरल, ये तीनों स्टेट क्या है, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, ठीक है। उसके बाद कम जनसंख्या घनत्व तो बोला जाए तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मतलब ये स्टेट आपका, मिजोरम ये वाले स्टेट और ये सिक्किम, ये वाले स्टेट में क्या हुआ, सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उसके बाद क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, ठीक है। अगर कम साक्षरता दर की बात किया जाए, सर्वाधिक कम साक्षरता दर, तो इसमें आपका आएगा ये हरियाणा, ये वाले स्टेट हरियाणा, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम। अगर इसको फॉर्मूला सेट करना है तो आप सब बोल सकते हैं हरी जा सिक्किम, कौन जा रहा है, हरी जा सिक्किम, ठीक है, या तो शॉर्ट में फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात की, ठीक है, तो लिंगानुपात आपका आएगा, लिंगानुपात में सबसे ज्यादा केरल, ठीक है, 10-82, केरल के बाद पुडुचेरी एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, ये स्टेट आपके आते हैं लिंगानुपात में। अगर हम कहते हैं, ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि में कमी, 10 की जनसंख्या वाले कमी राज्य, ठीक है, तो आपको वही आएगा आपका जो सर्वाधिक जनसंख्या में है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट आएंगे जहां 10 की वृद्धि में भी ये वाले स्टेट में कम हुए हैं। उसके बाद बोलते कम साक्षरता, कम साक्षरता वाले राज्य, क्योंकि आपका ये देते हैं आपका एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा, जनसंख्या के लिंगानुपात के अनुपात निम्नलिखित राज्यों का क्रम जमाइए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या बोला, ये सारी चीज फॉलो करना पड़ती है, कम भी पूछता है कभी ज्यादा भी पूछता है। तो कम साक्षरता वाले राज्य में आपका आएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड, ठीक है, ये 4 स्टेट है। इसका जो ट्रिक है या फॉर्मूला है हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बिहाव मतलब की शादी, ठीक है, बिहाव से बिहार, अरुण के राजखंड में करारो, ठीक है, इसमें बिहाव मतलब की बिहार हो जाएगा, अरुण मतलब की अरुणाचल प्रदेश, राज मतलब की राजस्थान, ये साइलेंट रहेगा, खंड मतलब की झारखंड में करा दो, एक स्टेट में है। तो इस तरह से क्या होगा हमारे, ये आपका भारत का पॉपुलेशन आपका खत्म हुआ। इस वीडियो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, भारत की 2011 के सेंसस को आप लोग क्या करते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप सीजीपीएससी ई ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कीजिए, ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम सीजीपीएससी ई ज्ञान। Visit our website visualcard.com to get complete video series.